दोस्तों, बेरोजगारी और रोजगारी के बीच में जो अभी के टाइम में समस्या है, गवर्नमेंट बोले तो सरकार दे रहा है 20 लाख रुपए तक का लोन, लेकिन इसमें क्या है कि हम इसमें पूरा A to Z अपडेट बताएंगे कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी आपको जानकारी के लिए मैं ये सामने में वहां पे लोगो और प्रोस्पेक्टस डाल देंगे। और दोस्तों, मैं अभी बता दूं, जो लड़के हर लड़के जितने भी है जॉब को लेकर के परेशान रहता है, जो मुझे जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, जिसको थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज है और बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जो क्योंकि आपको डेयरी फार्मिंग के लिए आपको दे रहा 20 लाख रुपए तक का लोन, क्योंकि हमारे जॉब से लेकर के रोजगार बेरोजगार तक के लिए हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलिए हम A to Z जानकारी बताते हैं जो कैसे आप 20 लाख रुपए तक का लोन लेकर के और अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम आपको जॉब से रिलेटिव और रोजगार बेरोजगार के बहुत सारी जानकारी अपडेट देते रहते हैं प्रतिदिन। दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास अभी जो बिजनेस को लेकर के बेस्ट अपॉर्चुनिटी आया है, तो जो जिसको थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि ये है डेयरी फार्मिंग। बोले तो आपको दूध का फैक्ट्री बनाना है, किस तरह से लोन ले लेकर के आपको 15 से 20 गाय भैंस पशुपालन के विभाग में, ये इसमें मैं डिटेल बता देता हूँ जो सामने में आप पढ़ भी सकते हैं। समग्र गव्य विकास योजना, इसमें आपको हर साल के भांति इस साल भी योजना आया है, जिसमें इसमें लड़के भरते हैं, जो इसमें डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्या सब डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि इसमें आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे आप डेयरी फार्मिंग bihar.com पर सर्च कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक गव्य विकास योजना आ जाएगा। उस पर जाइएगा तो उसी टाइम आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँ, ये तो ऑनलाइन अप्लाई हो गया, जैसे मैं यहाँ पे सामने में और इसका प्रोस्पेक्टस दे दूंगा तो उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना किस में फैसिलिटी है वो भी बताएगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं जो ये 2024-25 के लिए योजना है, इसमें मैं थोड़ा पढ़ के भी सुना देता हूं। 2 एवं 4 दुधारू मवेशी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान, जिसके लिए मतलब जबरदस्त होने वाला है वही मैं बता रहा हूँ। जो आपको अनुदान बोले तो सब्सिडी मिलेगा, जो कि जितना अगर मान लो 20 लाख का आपको योजना है, अगर आप 15 गाय चाहे 20 गाय के लिए आप योजना लेते हैं, लोन लेते हैं अगर 20 लाख का, तो उसमें आपको देख लो जो 40 से 75% तक आपको सब्सिडी मिलेगा। तो आप समझ लो 20 लाख का तो 8 लाख मिनिमम तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा तो आपको 12 लाख ही पे करना पड़ेगा। और बिजनेस आपका डेयरी फार्मिंग, आपका दूध का जो है कारोबार जो करेंगे आप, तो मतलब बिजनेस है तो आप समझ लो जो जबरदस्त होने वाला है। उसके बाद सुनिए, तथा अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान रहेगा, तथा 15 तथा 20 दुधारू मवेशी के लिए सभी वर्गों के लिए 40% अनुदान की सुविधा है। तो आप बिल्कुल, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, जैसे कि अभी ये इस पे है और बाकी मैं अपडेट यहाँ पे भी दे दूंगा, आप ये ऑनलाइन कीजिए। और बिजनेस में इंटरेस्टेड है, रोजगार तो यार बहुत तरह का होता है, ऐसे नहीं है जो आप बेरोजगार है तो सिर्फ आप जॉब करेंगे तो ही आप रोजगार पा सकते हैं, आपके लिए बहुत सारा मौका मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 2, 4, 15, 20 दुधारू मवेशी हीपर के साथ डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन देने का सुनहरा अवसर। तो दोस्तों, आप ये आवेदन जरूर दें, अगर आप इंटरेस्टेड है और बेरोजगार भी है और बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आप लेट ना करें, क्योंकि आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब मैं इसके बाद करूं, जैसे कि 2 दुधारू मवेशी अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा 1,75,000 का, जिसमें से 87,000 रुपया जो है सब्सिडी रहेगा। बोले तो आपको डिस्काउंट रहेगा, नहीं देना है उसमें। 4 दुधारू मवेशी लेते हैं तो 3,90,000 का रहेगा, जिसमें आपको 2,92,000 पे करना है और 1,95,000 सब्सिडी रहेगा। मतलब जबरदस्त है, आपको जो है ये जरूर करना चाहिए जो अगर बेरोजगार है तो। अब मैं डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा लास्ट में। जैसे कि आप 15 दुधारू मवेशी लेते हैं तो ये 15,34,000 रुपया का है, जिसमें आपको सब्सिडी 8,13,000 रुपया जो है, सॉरी 6,13,000 रुपया सब्सिडी मिलेगा। तो मतलब देखा जाए तो सब्सिडी के साथ साथ आप बिजनेस भी मौका मिले दे रहा है सरकार आपको करने के लिए। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मतलब आप पशुपालन विभाग में कहीं भी सर्च करो गूगल में, तो ये गव्य, जैसे ही गव्य विकास योजना आएगा तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट dairy.bihar.government
govgovernment.in पर आप ये जैसे अप्लाई करेंगे तो ये आपको लिंक खुल के आ जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका सुपरविजन जो करेगा, आपके जो लीड करेगा, आपके चेक जो होगा, वेरिफिकेशन जो होगा, आपका डॉक्यूमेंट हो या चाहे आपका जमीन का रसीद हो, तो ये कौन करेगा? आपका जिला का जो पशुपालन विभाग गव्य विकास पदाधिकारी होता है, वो आपको इसका सुपरविजन करेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन इससे पहले जैसे कि ये 15 अगस्त से ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, आपको मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आपको मैं फिर से ये बताना चाहता हूं, आप ऐसा मौका नहीं गंवाए, क्योंकि आपको 15 से 20 लाख रुपया एक बिजनेस के लिए जबरदस्त होता है यार दोस्तों। अगर मान लो अगर 15 भैंस चाहे गाय रखते हैं, अगर आपको प्रतिदिन अगर एक गाय अगर 5 लीटर दूध करके भी देते हैं, तो 20 गाय अगर हैं आपके पास तो आपको 100 लीटर होता है। अगर 100 लीटर होता है दूध एक दिन का, तो आप 50 रुपये करके भी जोड़ते हैं तो भाई साहब आपको तगड़ा पैसे होने वाला है, जो कि 4,000 से 5,000 प्रतिदिन आपका होगा। अगर 5,000 प्रतिदिन होते हैं तो 30 दिन का जोड़ लीजिए, जो आपको 1.5 लाख का महीने आंख बंद करके होगा। 1.5 लाख महीने में से आपको उसके गाय के लिए, पशु के लिए चारा की व्यवस्था करना पड़ेगा, खाने के पीने के रहने का व्यवस्था करना पड़ता है, उसका बिजली का जो है बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ता है, जो कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर ऑनलाइन करें। और आपको वहां पे हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा, आपको कैसे कब मिलेगा, तो आप 1.5 लाख अगर मिलते हैं तो आप उसमें से उसको खान पान की व्यवस्था काट पीट के आपको फिर भी 1 लाख रुपया आराम से महीने का बचा सकते हैं, अगर बिजनेस से इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये जैसे अप्लाई करेंगे आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आवेदन के साथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, जमीन का रसीद, जाति प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि अपलोड करना आवश्यक है दोस्तों। मैं इस पे बता दूं, मैं भी जाकर के वहां पे बात करके आया हूं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड तो कंपलसरी रहता है, बैंक का पासबुक भी कंपलसरी रहता है, ये सब आपको पता है। उसके बाद इसमें लेटेस्ट जो जाति आवासीय आय इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, डोमिसाइल जो भी हो, ये तीनों सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए 1 साल के अंदर वाले जाति आवासीय आय। उसके बाद इसके मैं बात करूँ जमीन का रसीद, ये 1 साल अंदर का अपडेट हुआ होना चाहिए, जो GST टैक्स काट करके जो नया जमीन का रसीद रहता है, वो लॉगिन करने वाला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं स्कैनर, वो वाला लेटेस्ट होना चाहिए जो 1 साल के अंदर वाला हो, क्योंकि इसमें मैं अप्लाई भी करके देखा हूँ, सारा सिस्टम करके देखा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जमीन का रसीद और जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और ये डॉक्यूमेंट सब कंपलसरी है। अगर आपके पास जमीन के रसीद के साथ साथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, और मैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए मैं बात करूं तो जैसे इस लॉगिंग पे आप जाते हैं डेयरी फार्मिंग पे, गव्य विकास पे, तो वहां पे पहले ट्रेनिंग का भी फॉर्मेट खुल के आएगा। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं 1 हफ्ता का रहेगा, जो डेयरी फार्मिंग का ट्रेनिंग कैसे होता है क्या होता है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, और आपको 10 दिन के अंदर में कॉल आ जाएगा, जो आपको ट्रेनिंग स्टार्ट है उसमें होता है कैटेगरी बाय कैटेगरी होता है, जैसे जनरल कैटेगरी हो गया, OBC कैटेगरी हो गया, SC ST कैटेगरी हो गया, ये सब का ट्रेनिंग होता है। तो उसका ट्रेनिंग होगा 1 हफ्ता का, जो कैसे आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर सकते हैं, 1 हफ्ता का ट्रेनिंग, खाने रहने का व्यवस्था करवाएगा गव्य विकास पदाधिकारी। उसके बाद ये 1 हफ्ता के बाद आपको सर्टिफिकेट दे देगा, वही सर्टिफिकेट आपको इसमें काम आएगा। नेक्स्ट, अगर महिला कोई अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो 15 गाय 20 गाय चाहिए उसको ये डेयरी फार्मिंग खोलने के लिए, तो उसके पास होना चाहिए जीविका प्रमाण पत्र, जो जीविका में जीविका समूह 12 लोगों को जो जोड़ करके जीविका बनाया जाता है, उसमें आपका पासबुक होना चाहिए, वो उसका फोटो कॉपी वहाँ पे लगे, जो महिलाओं के फायदा होने वाले चांस है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं, जो जिसको 2, 4, 5 पहले से गाय है और वो सुधा सेंटर में जाकर के दूध वहां पे सप्लाई करते हैं, और उसको सुधा सेंटर का रसीद हो, जो हाँ रंजीत कुमार ने 10 लीटर दूध सुधा फार्मिंग में सुधा सेंटर में दिया, और उसका रसीद हो आपके पास, वो रसीद, जीविका का पासबुक और जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तीनों जिसके पास रहेगा सबसे पहले उसी को होगा, बाकी तीनों में से एक भी रहेगा तो उसके लिए हो जाएगा। और मैं यही बताऊं, जो नए जो रोजगार बेरोजगार लड़के लड़कियां रहते हैं उसके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। मैं तो सारे जितने भी हमारे व्यूवर्स है उसे हम कोशिश करेंगे हर तरह का जॉब, रोजगार बेरोजगार जो भी हो, जंग चल रहे हैं यार अभी रोजगार को लेकर के पूरा भारत में,
तो सब अपना अपना अप्लाई करो। जो ऐसा नहीं है जो कोई एक ही लाइन में जॉब करे, एक ही लाइन में सबको जाना है, आपको जौन सा जॉब अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगे बिजनेस करने में, उस भी वो बिजनेस करो। क्योंकि बाकी वैसे भी मैं सिक्योरिटी फील्ड में लड़कों को जॉब लगा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने के लिए। बाकी 1300 से प्लस लड़कों को जॉब लगाया हूँ सिक्योरिटी में, अगर इंटरेस्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं। तो बाकी आप ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कभी कभी मिलेगा, तो आप ये फॉर्म अभी प्रजेंट में अप्लाई हो रहा है, तो आप जाके जाइए डेयरी फार्मिंग बिहार .com पे आप जो है अप्लाई कीजिए। और बाकी हर स्टेट में ऐसी सुविधा है, तो आप हर स्टेट में जाकर के कर सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।